कैसा टेस्ट है इसका? गाड़ी भी चलाओ, ले के भी आओ, खाना भी खिलाओ, खिलाओ भी, मुताओ भी, सुलाओ भी, नखरे बिठाओ। गुजराती स्टाइल में, गुजराती स्टाइल में चाय पिएगी। क्या कर रही है, लात मार मार रही है। पियो, चलो पियो पियो पियो, चाय पियो तुम। चलो चाय पिए हम। खराब है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए फॉर एडवेंचर। तो गाइस, आज है इस डे का डे फोर, और थोड़ा हम स्ट्रक हो गए हैं एक्चुअली यहाँ तूफान आने की वजह से द्वारका में। मैं अगर आप लोगों को मौसम भी दिखाऊं तो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है रात से, बहुत ज़्यादा हैवी। मौसम भी साफ़ नहीं है, आगे का प्लान अभी कुछ सोचा भी नहीं, इसलिए सोचा था बट उसमें चेंजेस होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, ना चाहते हुए भी। चाहते तो नहीं थे हम चेंजेस करना, बट अब करने पड़ेंगे। कोई नहीं, अगर चेंजेस होते हैं तो दोबारा ज़रूर आएंगे। अगर चेंजेस हुए तो ना हम सोमनाथ जाएंगे, ना हम नागेश्वर जाएंगे, कोई बात नहीं, बट आगे फिर से जरूर दोबारा ज़रूर आएंगे। बाकी देखते हैं, चेंजेस होने के ज़्यादा उम्मीद है। बाकी मौसम तो काफ़ी ख़राब है, सोचे कि जैसे ही बारिश रुके तो यहाँ से निकला जाए जल्दी से जल्दी। बाकी अगर यहाँ पर अलर्ट की बात की जाए तो अभी आई थिंक 8 नंबर का अलर्ट जारी हो, सॉरी 9 नंबर का अलर्ट पोरबंदर में जारी हो चुका है, और 10 नंबर का अलर्ट द्वारका में। तो अलर्ट भी काफ़ी है, अगर एक सिग्नल और ऊपर होता है 10 से 11 होता है तो ये पूरा हाईली हो जाएगा। चांसेस थे कि शायद आज हो जाएगा क्योंकि तूफान काफ़ी तेज़ी से इधर की तरफ बढ़ रहा है। बाकी देखते हैं, लबड़ तो बहुत तेज़ी से रहा है। अब हम भी देखते हैं, यहाँ से अगर बारिश रुके तो निकलने की सोच रहे हैं हम लोग भी। सब कुछ सामान वामान पैक करने के लिए सबको बोल दिया गया है, तो देखते हैं अब क्या होता है। कि अब शुरू करते हैं लगेज की पैकिंग, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश रुक गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी पहले थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, और अभी जस्ट बारिश रुकी है यहाँ पर, रुक रही है, मतलब रुकी तो नहीं है बोलेंगे हम इसे, रुक रही है हल्की हल्की। बाकी तो देखते हैं यहाँ पे, और एक ये देख सकते हैं अभी तक सो रहा है। बाबू जी, चलना नहीं है क्या? बाहर तो देख लो क्या हो गया है। क्या हुआ, क्या हुआ, देखोगे तो अभी तो पता चलेगा क्या हुआ। देखो, अरे यार क्या हुआ, तूफान आने वाला, तूफान। अरे कहाँ है तूफान? बाहर है। अरे जब आए तब देखा जाएगा, गांड फटी पड़ेगी जब आएगा वो। अर्पित भाई ने कहा था कि सब सिस्टम लगा के रोक दे, वो सिस्टम उनका ही फेल हो जाएगा। तो फाइनली इट्स टाइम टू लीव होटल, दिस इज द बाइक रेडी। बारिश हो रही है बाहर काफ़ी तेज़, बारिश रुकने का सिर्फ वेट कर रहे हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली फिर से वापस वन सेकेंड होने लगी है। तो जैसी बारिश रुकती है निकलते हैं बाकी, और यहाँ से निकल के शायद सोच रहे कि वाया अहमदाबाद होके निकले, क्योंकि काफ़ी रेड अलर्ट है, तो दैट्स वाई कि सोच रहे कि अहमदाबाद होके जरूरत ही जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनी तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हमारा मोबाइल का चार्जर छूट गया था कल, तो हम वही वापस लेने आए थे, तो यहीं से निकल रहे थे, सोचा चार्जर पे ले लिया जाए और यहीं पे कुछ खा भी लिया भी जाए। बाकी पूरे रास्ते काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, प्लस विंड तो इतनी ज़्यादा चल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अगर भी मैं अभी भी आपको दिखाऊँ, आपको पेड़ हिलते हुए दिख रहे होंगे, तो आप लगा सकते हैं इस बात से अंदाज़ा कि कितनी तेज़ है। बाकी अभी हम लोग द्वारका से लगभग 80 किलोमीटर आ चुके हैं आगे, और अहमदाबाद जाने का प्लान है, वहाँ से देखते हैं कुछ और प्लान बनता है या नहीं। बाकी अगर बात की जाए हमारे प्लान की, तो हमने जो प्लान किया था वो किया था द्वारका देश जाएंगे, नागेश्वर जाएंगे एंड देन सोमनाथ जाएंगे, बट उसमें से हमें बाकी के 2 प्लान कैंसिल करने पड़े, क्योंकि दैट्स वाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर के हालात ख़राब है। मतलब जहाँ द्वारका में थे वहाँ पे भी हालात ख़राब थे, बट अब द्वारका तो दर्शन कर चुके थे, नागेश्वर जा नहीं पाए 20 किलोमीटर होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, सबने जाने से मना किया। जो वहाँ पे लोकल पब्लिक भी थी वो भी कह रही थी कि मत जाओ, अभी काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है, तो दैट्स वाई हम लोग नहीं गए। बाकी अब यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से देखते हैं अगर कुछ प्लान बनता है। वैसे तो बना रहे हैं कि अहमदाबाद में शायद घूमें या फिर उदयपुर सोच रहे हैं, बाकी देखते हैं अगर कुछ बनता है तो आप लोगों को बताएंगे। पहले यहाँ पे आ गए हैं, जरा यहाँ पे कुछ खा पी लिया जाए, पहले यहाँ पे खाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। और सबसे बड़ी जरूरी चीज़, अपने मोबाइल का चार्जर ले लेते हैं। तो आ चुका है अपना
ब्रेकफास्ट कह लो या खाना कह लो, ब्रंच कह लो, ब्रंच इसे हम कहेंगे, ब्रंच सादा खाना, शुद्ध विचार। प्याज देखो सारी भर ली सबसे आदमी ने, यही है वो आदमी। टू मोटो व्लॉग, और बारिश शुरू हो चुकी है निकलते के साथ ही, लग नहीं रहा था कि होगी, बट जैसे ही हम लोग निकले हैं तुरंत बारिश शुरू हो गई है, तो बहुत दिक्कतें चल रही हैं, क्या ही कर सकते हैं, चलते हैं अब जरा जल्दी से। तो जस्ट अभी हम लोगों ने जामनगर क्रॉस किया है पूरा, और धूप निकल आई है, बारिश हुई है यहाँ पर भी दिखता है बट अब धूप है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद होते हुए उदयपुर, देखते हैं अगर अहमदाबाद में रुकेंगे या उदयपुर में रुकेंगे, ये कोई फिक्स नहीं किया है, बट अहमदाबाद है यहाँ से 282 किलोमीटर और उदयपुर आई थिंक डबल होगा, 600 नहीं ऑलमोस्ट आई थिंक 550 ऐसे कुछ होगा मे बी। तो देखते हैं प्लान क्या होता है कि कहाँ रुकेंगे, ये अभी फिक्स नहीं लिया है, बट अहमदाबाद यहाँ से 282 किलोमीटर दिखा रहा है। खूबसूरत सी रोड जाती हुई जिस पे ड्राइविंग करने में काफी मजा आ रहा है हम लोगों को, मुझे तो बहुत आ रहा है गुजरात की इन रोडों पर, रोडें काफी अच्छी लगी मुझे गुजरात में, काफी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं यहाँ पे। बस अगर ये क्या कहते हैं तूफान ना आता तो हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा था, चेंजेस ना करने पड़ते हमें प्लान में, बट कोई नहीं, इसी का नाम जिंदगी है, कुछ छोड़ के जा रहे हैं भगवान, अभी दोबारा आ पाएंगे आपके पास, इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं। हवा बनाने वाले पंखे देख सकते हैं आप कितने बड़े दिख गए हमें यहाँ पे, अगर ये रोड पे चलेगा तो क्या ही लगेगा, बवाल लगेंगे, बवाल ट्रक देखो कितना लंबा है, इसकी लेंथ, इस ट्रक की लेंथ इतनी लंबी है, साला बंदा 25-30 बार निकल जाए ट्रक के आगे से। रिफ्यूलिंग टाइम गाइस, ये भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। तेल भरवाना था अभी 2-3 लीटर, बट कोई नहीं भरवा लेते, अब रुके हैं तो और कोई बात नहीं थी। अभी भी 10:30 ऑलमोस्ट 10:45 लीटर तेल आ गया है, 1026 रुपये का। गाइस ये हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं दाल पकवान, ये पापड़ी मट्ठी बोलते हैं हमारे यहाँ तो इसे, और ये दाल, और ये दाल पापड़ी बनने का तैयार, अब से ज़रा खाते हैं या रुके हैं, खा के देखते हैं कैसी लगती है आप लोग, और कैसा टेस्ट है इसका। गाड़ी भी चलाओ, ले के भी आओ, खाना भी खिलाओ, सुलाओ भी, नखरे बिठाओ, पैसा एक ना मिले, इससे बढ़िया अकेले आओ भाई, ये तो इतना करना पड़ेगा। राखी काहे बांधते हैं बताओ, काहे बांधती हो राखी, बांधते जाइए, काहे बांधवाते हो, नहीं बंधवाएंगे, मना कर रहा है वो, क्या कहना चाहेंगे आप, जबरदस्ती बांधूंगी मैं, जबरदस्ती अभी नहीं बंधवाऊंगा, पलट दूंगा टेबल, किसके ऊपर जाएगा फिर, क्या चीज टेबल पलटने के बाद, मैं कुछ नहीं जानती हूं, दोनों बताओ, चाय पीने जा रही है रानी मुल्लो वाले स्टाइल में, गुजराती स्टाइल, गुजराती स्टाइल में चाय पिएगी, क्या कर रही है, लात मार मार रही है, पियो, चलो पियो पियो पियो, चाय पियो तुम, चलो चाय पिए हम, यह भी खराब है, चाय या प्याली, चाय लग रहा है इसका, सब देखो जो भी अब तक खाया ना सभी बेकार है। फाइनली हम लोग थोड़ा बहुत हल्का उल्का खा के निकल चुके हैं, टेस्ट काफ़ी ख़राब था गाइस, टेस्ट की तो बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने खाया काफ़ी मज़ा नहीं आया, इसलिए सबने थोड़ा बहुत खाया फिर छोड़ दिया। बाकी यहाँ से अपना घर की मंजिल तो 1068 किलोमीटर है, शायद घर का प्लान बन चुका है हम लोगों का कि हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं अपने घर, तो बस यही आप लोगों को बताना था, मैंने कहा कि बता दें घर की तरफ हम निकल चुके हैं 1068 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, रात को रुकेंगे कहीं पर एक ना एक जगह ज़रूर, डायरेक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत दूर है घर अभी, तो दैट्स वाई एक जगह रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, बाकी अभी चलते हैं, अभी तो मंजिल काफ़ी दूर है, अभी शाम का टाइम हो चुका है गाइस 7:15, तो देखते हैं जब तक गाड़ी चलाएंगे उसके बाद कहीं होटल लेके स्टे करेंगे।